नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिल और आपका स्वागत है इवनिंग अड्डा। दोस्तों, धर्म के एपिसोड नंबर 2 यानी सीरीज नंबर 2 पर मैं सूरज कुमार सिल आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज धर्म के इस एपिसोड नंबर 2 पे हम हिमालय के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसे जानना हर एक भारतीय को बहुत ही ज़रूरी है। और हम ये भी जानेंगे कि क्यों साधु और संत, योगी, महात्मा, योग पुरुष हिमालय जाने को तरसते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय संस्कृत के हिम तथा आलय दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बर्फ का घर होता है। हिमालय को भारत का ताज भी कहा जाता है। हिमालय से ही हिंदू धर्म है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का मूल भी हिमालय ही है। वैसे तो हिमालय में हजारों रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है प्रमुख 10 रहस्य और इन सभी रहस्यों पर शोध जारी है। तो आइए हम इन पर गौर करेंगे। हिमालय के शिखर। हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण शिखर सागरमाथा हिमालय, अन्नपूर्णा, गनेई, लांगतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरी शंकर, कुंभू, धौलागिरी और कंचनजंगा है। हिमालय से बहने वाली नदियां हैं सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज। अब बात करते हैं हमारा रहस्य नंबर 1 पर। हिमालय में सबसे बेहतर वातावरण है, जिसके कारण साधु, संत, योगी, महात्मा वहां पर जाने को तरसते हैं। हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती है। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते हैं। दोस्तों, मैं ये अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप हिमालय पे जाकर रहें और वहाँ पर योग करें तो आप 200 से अधिक साल तक जीवित रह सकते हैं। आज भी हिमालय में ऐसे साधु संत मौजूद हैं जो हजारों साल से हिमालय में रह रहे हैं। देवस्थान। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे, ऐसा माना गया है। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदनकानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति दो जगह बताई गई है, पहली हिमालय में और दूसरी कैलाश पर्वत के योजन ऊपर। मुंडोकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यता नहीं पहुंच पाते। तीसरा है हिमालय के तीर्थ। हिमालय में कुछ हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वी को रहने का स्थान माना गया है, लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के वाजिदीकरण के चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध हो रही है। चौथा, हिमालय के कुछ तीर्थ। कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, कौसरनाग, वैष्णो देवी, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश तथा अमरनाथ जैसे और भी स्थान हैं जहां तीर्थ की दृष्टि से जाना बेहतर है। चौथा, हिमश्रृंग एवं प्रमुख स्थल। शास्त्रों के अनुसार इन चौखंबा, संतोपत, नीलकंठ, सुमेरु पर्वत, कुनाली, त्रिशूल, भारतकुंटा, नंदा देवी, कामेत, द्रोणागिरी, कैलाश मानसरोवर एवं पंचप्रयाग, पंचकेदार, पंचवद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख, तुंगनाथ, मध्वेश्वर, गोपेश्वर, श्रीनगर, उत्तरकाशी, रुखीमठ, त्रिजोगी, नारण, जोशीमठ, टिहरी, पौरी,
शास्त्रों के अनुसार इन तीर्थस्थलों में किसी भी प्रकार की मानव आबादी का रहना वर्जित है। यह स्थान सिर्फ तपस्वियों, सिद्धियों और योगियों के लिए ही है। पांचवा, मानव की उत्पत्ति हिमालय क्षेत्र में हुई। तमाम शोध के बाद यह ज्ञात हुआ कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में हुई थी। पुराणों के अनुसार विवस्ता नदी के किनारे, विज्ञानियों एवं इतिहासवेत्ताओं के अनुसार हिमालय पर फल, अन्न और शाक आदि सभी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्वभावतः मानव का मूल आहार यही है। विज्ञानियों का मानना है कि विश्व भर में मानव की चार प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। ये जातियां हैं श्वेत, जिसे काकेसस कहते हैं, पीले, जिसे मंगोलियन कहा जाता है, काले, जिसे नागरो कहते हैं, और लाल, जिसे रेड इंडियन या अमेरिकन कहते हैं। इन चारों के अलावा एक पांचवी जाति है जो भारतीयों की है। इस जाति में उपयुक्त चारों जातियों का मिश्रण है। ये भारतीय संकर नहीं है, अपितु यह इनकी मौलिकता है। इन भारतीयों में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती है। छठा, सिद्धाश्रम, मठ और गुफाओं का रहस्य। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के दशनामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान है। ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ आदि, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर हजारों ऐसे चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां आम मनुष्य नहीं जा पाता। असल बात यह है कि आप इन गुफाओं को अपने आँखों से देख भी नहीं सकते हैं जब तक कि वे साधु संत आपको दिव्य दृष्टि प्रदान न करें। हिमालय के सिद्धाश्रमों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ही ऐसा रहता है। यहाँ मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, असम में भी कई आश्रम है। सातवां, जड़ी बूटियों का भंडार। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। आठवां, यति। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और यति का निवास हिमालय में ही है। यति या यति एक विशालकाय ही मानव है जिसे देखे जाने का घटने का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। कुछ महीने पहले भारतीय फौजी ने भी सियाचिन के इलाके में इसके होने का दावा किया था। अब कस्तूरी क्या है? हिमालय में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ है मृग है, कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाया जाता है। नौवा, हिमालय की रहस्यमय दुनिया। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक और जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं तो दूसरी और हजारों फुट ऊंचे हिमखंड, हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों का खान है। और दसवां, एलियंस रहते हैं हिमालय में। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर एलियंस रहते हैं जिन्हें हम दूसरे ग्रहों के लोग कहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अविश्वास भी नहीं करते हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं को देख जाने की खबर दी थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसे वैज्ञानिक एलियन कहते हैं वे एलियन नहीं बल्कि हमारे भारत के साधु संत, महात्मा और योगी तपस्वी है जो अनेकानेक चमत्कार के मालिक होते हैं और समय समय पर चमत्कारी कार्य करते रहते हैं, और इन्हीं को देखकर वे कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं, अपितु ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये 10 रहस्य हिमालय से जुड़ी हुई थी जो हमने आपके सामने रखी है। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हिमालय भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए इवनिंग अड्डा के साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड आने तक।